हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आया हूँ एक नया स्कूल जो कि काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, और पीछे आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा है वो आपको दिख रहा होगा। ये दोस्तों कल ही मैंने लिखा था, और जो ट्यूटोरियल वाली वीडियो थी उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है मेरा। तो वैसी तरह से दोस्तों आप प्यार देते रहना, और आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों जो अंदर मैं लिखूंगा, बट इसकी वीडियो दोस्तों आपको नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये कैसा लिखा हुआ है, और मैं आपको एक बार अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों लिखावट, और ये दोस्तों 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, और ये ग्राउंड फ्लोर पे ही लिखा हुआ है। कहने का मतलब आप देख सकते हैं नीचे से कैसा दिख रहा है। और तो फाइनली दोस्तों आपने ये देखा, आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट करके। और दोस्तों वैसे इसकी वीडियो अगर होती तो मैं आप लोग को अपलोड करके ज़रूर दिखाता, बट दोस्तों अंदर में मुझे कुछ कुछ लिखना है तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये अंदर घुसने पर कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कल लिख रखा था दोस्तों, जितने भी दरवाजे हैं दोस्तों उसके ऊपर लिखना है। तो नीचे फ्लोर में दोस्तों मैंने कम्प्लीट कर ही दिया था, बट ऊपर वाले फ्लोर पर मुझे करना है। तो ये काफ़ी सुंदर हॉल बना हुआ है दोस्तों, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, सरकारी बिल्डिंग है दोस्तों स्कूल का, जो काफ़ी शानदार लग रहा है। ऐसा बसिया में पहली बार ये प्लस टू है जो कि काफ़ी सुंदर है, कहने का मतलब जो प्राइवेट स्कूल है उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। तो मेरे साथ आया है दोस्तों पवन, की कई वीडियो पर आप लोगों ने मुझे देखा था इसके साथ। तो चलिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, और अब भी यहाँ पर मुझे लिखना है। तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग, एक यहाँ के हैं जो इंचार्ज हैं वो लिखवाएंगे, तो वो अभी नहीं है, उनके आने के बाद ही दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये है दोस्तों खाली सा जो दिख रहा है, अभी थोड़ी देर बाद मैं लिखूंगा इस पर। सारे दरवाजों के ऊपर मुझे लिखना है, और इस साइड भी। ऊपर टेरिस पे, और आप देख सकते हैं जो इसका फर्श है काफी शानदार इन लोगों ने बनाया है। ऊपर से कुछ नजारा ऐसा है, ये बिल्डिंग दोस्तों ऊपर से नीचे देखने पर काफी शानदार लग रहा है। और ये 3 फ्लोर का है दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे। और ये पीछे आप जो देख रहे हैं दोस्तों वो स्कूल है, जो कि यहाँ का हाई स्कूल है, 10वीं तक यहाँ पे है, और उसके पीछे जस्ट प्लस टू है उसी का दोस्तों ये बिल्डिंग बना हुआ है। तो फाइनली दोस्तों अब हम चलते हैं लिखने के लिए, 20 रूम के दरवाजे के ऊपर मुझे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों ये हो चुका है कंप्लीट, कहने का मतलब यहाँ का पूरा काम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। और जो पीछे लिखा हुआ है दोस्तों वो 2nd फ्लोर पे लिखा हुआ है, जो कि लास्ट फ्लोर है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ मैंने इसे लिखा है।
सारा काम हम लोग का हो चुका है कंप्लीट, तो अब चलते हैं हम घर। तो अब देखते हैं दोस्तों, मुझे लड़कों को लेने के लिए जाना है, वो लड़के जो है काम कर रहे हैं, तो उनको लाने के लिए मुझे 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर, और दोस्तों आपने देखा मैंने कैसा लिखा, और दोस्तों वो कल का लिखा हुआ था, बट मैंने कल वीडियो शूट ही नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि मेरा टेंशन जो है कम ही नहीं हो रहा है दोस्तों, तो वीडियो में बनाने का मूड ही नहीं कर रहा था, और अंदर वाला तो मैंने आप लोग को दिखा ही दिया। वैसा ही दोस्तों मैं लिखता हूँ, और आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों सतनाम जी की पेंटिंग जो है वो कितनी बनी है वो आप ये देखिए। तो फाइनली दोस्तों पेंटिंग जो है इतना बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसका दोस्तों मैंने पूरे फेस पे जो है पूरा शेडिंग वगैरह कर दिया है, और इसके जो बियर्ड है उसको मुझे फिनिशिंग करना है, और बहुत सारे बाकी हैं दोस्तों इसमें फिनिशिंग का काम, बट जितना भी है काफ़ी स्मूथ लग रहा है, और ये दोस्तों कंप्लीट होने के बाद और ही ज़बरदस्त लगेगा, कहने का मतलब सेम टू सेम लगेगा। तो इतना ही दोस्तों मैं इसे कर पाया हूँ, इसमें दोस्तों काफ़ी काम करना है, तो कोट वगैरह सारा कुछ कम्प्लीट करके, पगड़ी वगैरह कम्प्लीट करके कल मैं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो इसको देखना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि इसमें जो मैंने डिटेलिंग किया है दोस्तों उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप कल की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी शानदार पेंटिंग होने वाला है, और सेम टू सेम बनेगा दोस्तों जैसा फोटो में है, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी पेंटिंग बनाता हूँ वो सेम टू सेम ही होता है, और दोस्तों जो भी मैं वादा कर रहा हूँ आपसे वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों टेंशन, मुझे लगता है दोस्तों होली के बाद मेरा टेंशन जो है वो कम हो जाएगा या फिर ख़त्म ही हो जाएगा। जहाँ मेरा चर्च वाला स्कूल में काम हुआ था ना दोस्तों, वहाँ का पैसा मुझे नहीं मिला है, इधर उधर से दोस्तों मैं काफ़ी कर्ज में हो चुका हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा परेशानी जो है बढ़ा हुआ है। वहाँ के लोग जो बोल रहे थे कि होली से पहले पहले आप लोगों को मिल जाएगा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं दोस्तों मैं करूँगा ही करूँगा, क्योंकि आप लोग भी ये सोचते होंगे कि जब ये पेंटिंग बनाता है तो हम लोग इससे कुछ सीखें, अगर दोस्तों आप लोग बिगनर हो तो ज़रूर सीख सकते हो, तो चलिए आप तो जो होगा वो देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइस इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।